भगवान को भी लगने लगी ठंड। ओड़ी गरम साल सिडनी मालवा, सर्दी से इंसान ही नहीं भगवान भी ठंड से ठिठुरने लगे हैं। पुजारी पंडित संतोष शास्त्री ने संकट मोचन हनुमान मंदिर में हनुमान जी महाराज को गर्म साल उड़ाने लगे हैं। वहीं मंदिर में विराजमान राम लक्ष्मण सीता जी को भी गर्म साल उड़ाई जा रही है। पंडित संतोष शास्त्री का मानना है कि जब हम भगवान को मानते हैं तो उनका ख्याल भी रखना चाहिए, इसीलिए ठंड आते ही गर्म भोजन गर्म चाय का भोग लगाया जाता है। मौसम के साथ साथ भगवान को भी सर्दी से बचाया जाता है। भक्तों ने भगवान को सर्दी से बचाने के लिए तरह तरह के जतन करना शुरू कर दिए हैं। मंदिरों में भगवान के सामने हीटर जलाए जा रहे हैं और उन्हें गर्म वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं, क्योंकि बढ़ती सर्दियों में ठंड का एहसास सिर्फ इंसान ही नहीं भगवान को भी होने लगा है। ठंड से बचने के लिए ऊनी वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं। पंडित जी, अभी मंदिर में हम देख रहे हैं कि हनुमान जी महाराज को साल उड़ा के रखी है और लक्ष्मण जी सीता जी को भी साल उड़ा के रखी, क्या कारण है? अभी दादाजी साल तो जब ठंड लगती है तो प्रतिवर्षानुसार साल का कार्यक्रम चलता ही है और जब ठंड का प्रकोप होने लगता है शुरू तो हर मानव हर जीव को ठंड लगती है और ये भाव की प्रधानता है। जिस प्रकार से हमको ठंड एक महसूस होती है और हमको याद आता है कि नहीं गर्म कपड़ा या कंबल वगैरह ओढ़े तो उससे ठंड दूर हो जाती है, तो वही भावना ईश्वर से जुड़ी रहती है। ईश्वर सर्वत्र है, यदि माने तो भावना ही प्रधान है और भाव यदि प्रधान है तो भगवान उस भावना से प्रसन्न होते हैं और प्रकट हो जाते हैं। तो ये भाव है कि जिस प्रकार से हमको ठंड महसूस हो रही उसी प्रकार से हमारे इष्ट देवता, जिनके जो भी इष्ट देवता है उनको ठंड महसूस होती है, उनको ठंड लगती है, तो इस प्रकार से हम उनको गर्म कपड़े उड़ाते हैं, शाल वगैरह अलवान वगैरह, जिसके द्वारा उनको ठंड ना लगे। इस भक्ति से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालु लोग भी आते हैं तो उनको भी एक आकर्षण और बहुत सुंदर लगता है कि इस दृश्य को देखते हुए अपने घर पर भी भगवान को ठंड से बचाएं, क्योंकि ठंड उनको भी लगती है।